हेलो गाइस, वेलकम टू शूटिंग चैनल स्पोर्ट्स अकेडमी। मैं आज आपको फिर से बताऊंगा कि जो बच्चे पिस्टल की ग्रिप कंपनी से मंगाते हैं एज वेल स्टेयर और मोलने की, जिनको बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं ग्रिप में, एज वेल आपको पता होगा कि जैसे कि आप ग्रिप बाहर से लेते हैं ब्रांड कंपनी से, तो उसमें सबसे बड़े इश्यूज़ ये आते हैं कि आपकी ग्रिप आपके हाथ के अकॉर्डिंग फिट नहीं रहती है। जैसे कि एक बच्चे ने ग्रिप मंगाई है, ये मीडियम ग्रिप है और उसका हाथ भी मीडियम साइज़ का है, जैसे कि 8.9 सेंटीमीटर स्ट्रेंथ, उसके हाथ में ये ग्रिप फिट नहीं है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इस गन में किस तरह कस्टमाइज किया जाता है। आप चाहे तो इफ़ आपकी गन में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हैं और वेबसाइट में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि मैं मानवेंद्र प्रसाद, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, आपको बताऊंगा कि किस तरह गेम आप ग्रिप आपको कस्टमाइज करनी है अपने। थैंक यू। ग्रिप में क्या प्रॉब्लम थी मैं नोटिस करता हूँ और मैं मेजरमेंट्स नोट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनकी मेजरमेंट्स, नोट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप मेंशन करिए लेंथ, जो कि इनकी है 12 सेंटीमीटर। फिंगर ओके, हम टू की जा रही है 7 सेंटीमीटर। फिर मिडिल फिंगर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गैपिंग है। इंडेक्स फिंगर, रेस्ट से भी मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर बाहर है, उस पर गौर करना। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे गैप है, मुझे इसको भी इस पर भी वर्क करना है। सो प्लीज़ एक बार आप एम करिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका हाथ इस ग्रिप के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटा है, तो इनको यहाँ पे जो पाम है यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे इस पे भी वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ तो इनकी यहाँ से फिंगर थोड़ी सी बाहर जाएगी, तो जब इनकी यहाँ पे फिंगर हल्की सी बाहर जाएगी तो इनके हाथ की ग्रिपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सो मैं आप इस पर वर्क करूँगा। सो इनका मैं आपको बता दूँ, इनके चार जगह पर मुझे वर्क करना है। सबसे पहले मुझे इनकी इंडेक्स फिंगर पे वर्क करना है, लोअर पोर्शन पे मुझे वर्क करना है, मुझे फ्रंट फिंगर पे वर्क करना है और अपर पोर्शन पे वर्क करना है, और द लास्ट मुझे इनके पाम पे भी वर्क करना है। ओके। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं अब स्टेयर ईवो ग्रिप बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि ये ग्रिप है, अभी ये न्यू ब्रांड ग्रिप है और इसमें मुझे काफ़ी 3-4 पार्ट्स पे बनाना है, जिसमें कि मेरा काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लगेगा। तो मैंने आपको बताया था गाइस कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। सबसे पहले आपको एक फेविकोल लेना है जो कि 250 ग्राम्स का होगा, ये आपको बहुत इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये वुड डस्ट लेना है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत पतला होना चाहिए। ये अखरोट और टीक लकड़ी का मिक्स है, ये आपको थोड़ा सा बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आप चाहे तो ये हिमाचल प्रदेश या आप कुल्लू से अवेलेबल करा सकते हैं, या आप अपने किसी भी लोकल डीलर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं अवेलेबल होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। ओके। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मुझे मिलाना है। इसमें मुझे कम से कम ये फेविकोल अराउंड 10 ml लेना है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी आप पेस्ट बनाते हैं ये थोड़ा सा गीला होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेस्ट ज़्यादा हार्ड रहता है तो आपकी ग्रिप में चिपकाने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, और बहुत ज़्यादा अगर लूज रहेगा तो आप ग्रिप को शेप नहीं दे पाएंगे, तो वो भी बहुत मैटर करता है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह मिला रहा हूँ।
मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए ग्लव्स यूज़ करिएगा। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था कि मुझे इस फेविकोल और डस्ट का सॉल्यूशन मिक्स करना है, मैंने ये मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ना ही ये ज़्यादा लूज़ है और ना ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। सो अब मैं ग्रिप में सबसे पहले फेविकोल का थोड़ा सा सॉल्यूशन लगाऊंगा। आप देख सकते हैं मुझे लोअर पार्ट में बनाना है, तो मैं लोअर पार्ट में सॉल्यूशन लगा रहा हूँ। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी ये जहाँ पे ये ग्रिप स्क्रूज लगते हैं इसमें आपका सॉल्यूशन ना लगे। उसके बाद मैं जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसको मैं मिक्स करके मैं इम्प्लीमेंट करना चालू करूँगा। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपका जो बेस पोर्शन है ये आपको स्केल से चेक करना है कि ये आपकी ग्रिप से बाहर ना जाए। अगर ये ग्रिप के बाहर जाता है तो ये रूल्स में फेल हो जाएगा और आपको बिल्कुल बराबर रखना है इसको। अभी जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये गीला है, तो इसको आप आराम से सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इसको स्केल से बिल्कुल फिक्स कर रहा हूँ। इसमें सिंपल आपको स्केल रूलर स्केल मिल जाएगी स्टेशनरी शॉप में, और ये मैं इसको भी फाइनल टच नहीं दे रहा हूँ। मैं इसको सिर्फ स्केल से इसको मैं प्लेन कर रहा हूँ, फिर आप इसको फाइनल टच जो देंगे वो सैंड पेपर से यूज देंगे, जो कि आपका मोटा वाला सैंड पेपर और पतला वाला सैंड पेपर दोनों होगा, एक जो कि वुड घिसने के लिए यूज़ होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी ग्रिप की जो मेकिंग है वो आपकी ग्रिप से बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, इवन नॉट इवन अ सिंगल। अगर ये बाहर जाती है तो ये फेल हो जाएगी रूल से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स वेरी ईजी। जैसे कि गाइज आप देख रहे हैं कि मैं बहुत इजीली बना ले रहा हूँ, बिकॉज गाइज मैंने इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है ISF रूल के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको खुद बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके रिजेक्शन के, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है ये ग्रिप आपको। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल से ही बनवाएं ग्रिप। अगर आप बिगनर हैं तो आप बिल्कुल भी इसमें कोई भी तरीका ना अपनाएं इसको बनाने के लिए। और ये चीज़ याद रखिएगा कि आपकी जो मेकिंग ग्रिप है ये आपका बिल्कुल इस यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये यहाँ से बाहर जाता है और आप इसको एक्सटर्नल एरिया में यूज़ करते हैं तो आपकी ग्रिप फेल है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं मैंने ये ग्रिप पूरी बना दी है, मैंने नीचे का बेस भी पूरा बना दिया है, इसको मैंने फ्लैट भी कर दिया है, मैंने ये वाला जो पोर्शन था ये आपका पाम पोर्शन मैंने ये भी फिल कर दिया है, मैंने आपका इस साइड का भी पोर्शन फिल कर दिया है। आप देख सकते हैं ये 3 पोर्शन बनी है, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। ये थर्ड पोर्शन सबसे लंबा पोर्शन है इसमें, क्योंकि अब इसमें मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करनी है। मुझे ये इसलिए एडिटिंग करनी है क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग अभी भी ये यहाँ पे फेल हो रही है, तो मुझे इसको कट करके निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये आपको बहुत जेंटली निकालना होता है, क्योंकि अभी आपकी ग्रिप गीली है तो ये निकालने में ख़राब हो सकता है। आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद मुझे ये थोड़ा सा अंदर से भी निकालना है। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें अपने प्रोफेशनल्स की राय लीजिएगा,
आप अपने आप मत करिएगा इसको। ये थोड़ा सा और अंदर से निकालना है, इसमें आपको पेपर कटर यूज करना है। फिर आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी हल्का सा बाहर निकल रहा है, मुझे इसको भी फिक्स आउट करना है। और ये यहाँ पे भी देखिए बाहर निकल रहा है, मुझे इसको भी कट आउट करना है क्योंकि ये भी रूल के अकॉर्डिंग फेल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मटेरियल लग गया है, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। आप इसको सैंड पेपर से भी निकाल सकते हैं या आप इसको बहुत जेंटली आप पेपर कटर से भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि फेविकोल से बना हुआ है, अगर आपको ये लगता है कि आपने ये जो ग्रिप बनाई है आपको ये सूटेबल नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम आती है या आप बाद में किसी प्रोफेशनल से बनवाना चाहते हैं, तो आप इसको बहुत ईजिली रिमूव कर सकते हैं। हल्का सा स्टीम में इसको आप स्टीम ब्लोवर से हवा दे करके इसको लूज़ कर सकते हैं और आप इसको बहुत जेंटली निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं कैसे निकाल रहा हूँ, अभी ये सूखी नहीं है। जैसे कि गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने स्टेयर की ग्रिप फाइनलाइज कर ली है। ये मैंने 3 पोर्शन से बनाई थी, आपको मैंने पहले ही बताया था। सबसे पहले मैंने इसका लोअर पोर्शन बनाया था, फिर मैंने इसका पाम पोर्शन बनाया था, फिर मैंने आप इसका थंब पोर्शन बनाया था। आप देख सकते हैं फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन। ये आपकी ईवो की ग्रिप है, मैनुअल ग्रिप स्मॉल साइज। ये आपकी मोदनी की ग्रिप है, मोदनी टाइटेनियम मीडियम साइज। ये भी आपकी मोदनी टाइटेनियम मीडियम साइज है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों ग्रिप, ये मैंने कल बनाई है, मैंने आज बनाई है, और ये वाली ग्रिप मैं पहले ही बना चुका हूँ। जैसे सौरभ पांडे जो कि नेशनल प्लेयर हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ये स्टिकर लगा हुआ है और ये ग्रिप पास हो चुकी है। सो गाइस अब मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ। फाइनल टच जब मैं दूंगा इसको, मैं आपको एक बार फिर से वीडियो प्रोवाइड करूँगा इसका फाइनल टच का। और आपको होप पसंद आया होगा ये वीडियो, सो प्लीज़ गाइस इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को जो कि शूटिंग चैनल स्पोर्ट्स अकेडमी लखनऊ। थैंक यू।